नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम फिनटेन में। शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट आज फिर धराशायी हुई, जहां आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 638 पॉइंट्स और निफ्टी 50 219 पॉइंट्स गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 23 में गिरावट और 7 शेयर में तेजी देखी गई। वहीं बात करें निफ्टी 50 की तो 40 शेयर्स में गिरावट और 10 शेयर्स में तेजी रही। बात करें आईटी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर्स में गिरावट देखी गई है। आज कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 9 लाख करोड़ की गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद करें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी आज भारी बिकवाली देखने को मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां विदेशी बाजार में सोना और चांदी के दाम में तेज गिरावट है। आज विदेशी बाजारों में सोने और चांदी के दामों में तेज गिरावट देखी गई। बात करें डॉलर की तो डॉलर मजबूत होने से सोने के दामों में गिरावट देखी गई है। हालांकि भारतीय बाजारों में इसका कोई असर नहीं दिखा है और कीमतों की बात करें तो कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। ज्ञात हो कि बीते हफ्ते सोने और चांदी के दामों ने ऑल टाइम हाई के स्तर को छुआ था। माना जा रहा है कि अगर ऐसे ही अमेरिकी डॉलर में मजबूती देखी गई तो भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे जानकारों का कहना है कि अस्थिरता का माहौल बनेगा और दिवाली के मौके पर 20-25% बिक्री कम होने की आशंका है। फिनटेक में तीसरी खबर, क्रूड ऑयल के दामों में तेजी। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के चलते जहां क्रूड ऑयल के दामों में तेजी बनी हुई है। बात करें अगर ईरान इसराइल युद्ध लंबा चलता है तो यहां तेजी आगे भी देखने को मिल सकती है। पर इसके बावजूद अगर हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दामों की तो इसमें कोई बदलाव नहीं देखा गया है। फिनटेक में चौथी खबर, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक आज से शुरू हो रही है, जो कि 9 तारीख तक चलेगी। इस दिन दिवसीय मीटिंग में ब्याज दरों पर फैसला दिया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी की पिछली मीटिंग अगस्त में हुई थी और इस मीटिंग में ब्याज दरों पर कोई भी बदलाव ना करने का फैसला लिया गया। बात करें हालांकि इस बार भी जानकार यही कयास लगा रहे हैं कि क्या आरबीआई मॉनेटरी कमेटी ब्याज दरों में शायद कोई बदलाव ना करे। लेकिन क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर दिया है तो इसके मद्देनजर यह हो सकता है कि कमेटी भी ब्याज दर कम कर सबको चौंका दे। फिनटेक में पांचवी खबर, जहां कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आरबीआई डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। श्री राव 1984 से आरबीआई के साथ काम कर रहे थे तथा अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आरबीआई के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं तथा इसके अतिरिक्त उन्होंने बतौर बैंकिंग ऑब्जर्वर दिल्ली चेन्नई हैदराबाद और अहमदाबाद में भी कार्य किया है। फिनटेक में छठी खबर, दूर संचार विभाग की साइबर क्राइम को रोकने की नई पहल। जी हाँ, दूर संचार विभाग साइबर क्राइम और फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए केंद्रीय प्रणाली शुरू की गई है। इसके तहत बात करें इंटरनेशनल फेक कॉल्स, साइबर फ्रॉड कॉल्स, फाइनेंशियल फ्रॉड कॉल्स को रोकने में तो ग्राहकों की मदद करेगा। ग्राहक ऐसी किसी भी कॉल को नागरिक संचार साथी प्लेटफॉर्म चकाक्षु पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका वेब एड्रेस है sancharsathi.gov.in। फिनटेक में सातवीं खबर, जहां भारत के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती। श्री रतन टाटा को बीती रात ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल के सूत्रों से पता चलता है कि उनका बीपी काफी गिर गया था और उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट किया गया। हालांकि उन्हें देखरेख डॉक्टरों की टीम का कहना है कि चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है और यह एक रूटीन चेकअप का हिस्सा है। फिनटेक में आठवीं खबर, जहां वोडाफोन के शेयर्स में नहीं रुक रही गिरावट। जी हां, बैंक गारंटी जमा ना करने पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने वोडाफोन आइडिया को नोटिस जारी किया। इसके बाद से इनके शेयर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। एक हफ्ते में जो शेयर्स में करीब 12% की गिरावट देखी गई है। ज्ञात हो कि वोडाफोन आइडिया 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज चाहती है, लेकिन अभी किसी भी बैंक ने लोन देने के लिए अपनी सहमति नहीं जताई है। नौवीं खबर, जहां लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशनर्स हो जाइए तैयार। अपनी पेंशन को लगातार जारी रखने के लिए पेंशनर को हर साल अपने बैंक में जीवित होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है। 80 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पेंशन धारकों को यह प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक और 80 वर्ष से कम उम्र वाले पेंशन धारकों को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट हर साल जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी पेंशन का भुगतान रुक सकता है। फिनटेक में आखिरी खबर, यानी हमारी 10वीं खबर, महिंद्रा थार रॉक्स की रिकॉर्ड बुकिंग। जी हाँ, भारतीय कार निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा की बहुप्रतिष्ठित SUV थार रॉक्स ने बुकिंग खुलते ही रिकॉर्ड बनाया है। 1,76,218 कारों की बुकिंग कर ली गई है, जिसे भारतीयों में इस गाड़ी के प्रति बेसब्र इंतजार देखा जा रहा है।
महिंद्रा ने इस जबरदस्त बुकिंग पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है कि मेरे आत्मविश्वास के बावजूद यह मेरी उम्मीदों से बढ़कर है। और उन्होंने सभी ग्राहकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि महिंद्रा को ब्रांड और अपने दिलों में बसाने का आभार है और उन्होंने अपनी टीम को इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए धन्यवाद किया है। तो आज के लिए फिनटेन इज साइनिंग ऑफ एंड ऑलवेज रिमेम्बर, सेफ इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज हैप्पी इन्वेस्टिंग।